हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरा वीडियो इस टॉपिक पर रहेगा कि एक मोबाइल नंबर दो डिवाइस में व्हाट्सएप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ये मेरे दो फ़ोन हैं, एक मेरा पर्सनल यूज़ के लिए, एक मेरे ऑफिस के यूज़ के लिए। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए हमको दोनों में व्हाट्सएप चाहिए होता है, या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन। तो अभी मैं एक नंबर से दो व्हाट्सएप चला के आपको दिखाऊँगा लाइव। प्लीज़ स्किप मत करना, ये मेरा मोबाइल में व्हाट्सएप यूज़ होता है। और जो आपको ये वाला मोबाइल दिखाया, ये वाला, इसमें मेरा कोई व्हाट्सअप यूज नहीं होता है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हम प्ले स्टोर में जा रहे हैं। प्ले स्टोर में यहाँ पे सर्च करेंगे हम वेब व्हाट्सअप। तो उसमें क्या आएगा, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन हम टॉप वाला ऊपर करेंगे। देखो नीचे बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम ये वाला देखेंगे, है ना। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत छोटा एप्लीकेशन है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगेगा आपके मोबाइल का। हो ही गया डाउनलोड, अराउंड 7 MB का है, ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं। ये उस चीज़ के लिए इजी होता है, कुछ हमें पर्सनली कुछ भेजना हो पर्सनल नंबर पे या ऑफिस में किसी को, या एक दूसरे से मोबाइल से कुछ एक्सचेंज करना हो, तो ये चीज़ उसमें अच्छा बहुत अच्छा रहता है। इसको हम ओपन कर लेते हैं अभी। ये तो कुछ कुछ परमिशन मांगेगा, आप वो प्लीज़ अलाउ कर देना। मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, उसमें कुछ ऐड भी आते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी गेट स्टार्टेड करेंगे यहाँ पे। हम मोबाइल जो वीडियो बन रहा है थोड़ा अच्छी, कि ऑफिस एरिया में बैठा हो ना, और यहाँ से जो परमिशन मांग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा हमें अलाउ करना पड़ेगा, जैसे स्टोरेज परमिशन, डेटा परमिशन, ये सब का मांगता है। फोटो यहाँ डाउनलोड भी होंगे, आप सेंड भी करोगे, मतलब सेम टू सेम व्हाट्सएप ही होगा। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, ऐड आ गया नीचे। उसके बाद देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, बस नीचे में आपको जाना है इधर। हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा, जो कि स्कैनर करे, स्कैनर का काम करता है। हम इस कोड को इस मोबाइल से स्कैन करेंगे। फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको परमिशन मांगेगा, तो आप अलाउ कर देना। इस मोबाइल से हम उस वाले मोबाइल का कैमरे से स्कैन करेंगे। तो वो बारकोड हमने स्कैन कर लिया है, अभी कुछ सेकंड में हमारा सेम टू सेम व्हाट्सएप वहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए इसको पूरा डेमो करके दिखाया, क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती है ना बीच में, तो हो नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, सेम मेरा चैटिंग इस मोबाइल का है, और सेम टू सेम इसी में सारा चैटिंग देख पा रहे हो आप। यहाँ पे भी सेम है। अभी मैं अपने आपको मैं दूसरे नंबर पे मैसेज करके देखता हूँ। रैंडमली एक मैसेज कर दिया, तो इधर भी शो हो रहा है माय जियो को मैंने मैसेज किया है। तो इधर से सेंड किया हुआ मैसेज दिख रहा है, क्योंकि इधर से सेंड किया है, क्योंकि इसका टू कॉपी है ना व्हाट्सएप की, इसलिए सेंड में दिखा रहा है। मैं आपको दूसरा वाला खोल कर दिखाता हूँ, जहाँ पे ये वाला मैसेज गया हुआ है। दूसरा नंबर है, दूसरा व्हाट्सएप होगा यही वाला। तो इस वाले व्हाट्सएप पर मैंने लॉक लगाया, इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आया था। देखिए तो ये चीज़ है, और ये वाला एप्लीकेशन उसमें भी हेल्पफुल होगा, जैसा कि हम किसी बच्चों पे, किसी पे हम व्हाट्सएप में किसे चैट कर रहा है, क्या कर रहा है, हम उस चीज़ को भी इससे कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा आपको ज़रूर कमेंट में लिख के बताना, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और ऐसा आइकन देता है उसका, ठीक है, ये एप्लीकेशन था, ये आइकन देता है। तो थैंक यू सो मच गाइस।